साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कुछ वक्त में विधानसभा चुनाव होने को है। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के बाद ये देश में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव की जमीन तो तैयार होगी, साथ ही साथ मोदी ब्रांड की अग्नि परीक्षा भी है। देखिए यह रिपोर्ट। 10 मार्च को पांचों राज्य में होने जा रहे चुनाव का परिणाम सबके सामने आ जाएगा। ऐसे तो हर चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए खास होता है, पर इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने कोरोना महामारी और किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, तो वही चुनाव परिणामों के बाद पता चल जाएगा कि क्या भाजपा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करके पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में किसानों की नाराजगी को बेअसर करने में कामयाब हुई है या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार चुनाव में अपने खिलाफ माहौल को देखते हुए 3 कृषि कानून पिछले साल ही रद्द कर चुकी है। इसके अलावा प्रचार प्रसार में भाजपा नेता जोर देकर कहते रहे हैं कि भाजपा सरकार आगामी वर्षों में किसानों की आय दुगनी करने में सक्षम है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय किसान की आय दुगनी करने के करीब नहीं है। वास्तव में मुख्य रूप से उर्वरकों और श्रम की बढ़ती लागत के कारण कृषि क्षेत्र से आय लगभग स्थिर बनी हुई है, जो सरकार के खिलाफ किसानों के बीच स्पष्ट गुस्से का कारण है। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़कर उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, जहां भाजपा सत्ता में है। 2017 के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस को मणिपुर और गोवा में भाजपा से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी। उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी लड़ाई मानी जा रही है, तो वहीं पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी निवर्तमान पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कांग्रेस ने 2017 में भारी अंतर से हराया था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन कैप्टन को किनारे करके कांग्रेस ने अपने लिए खाई तैयार की है। वहीं अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो कृषि विरोधी कानून 5 राज्यों में होने वाली 620 विधानसभा सीटों में से 240 को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसका पहला चुनावी प्रभाव जनवरी की शुरुआत में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए। हालांकि केंद्र ने इसे बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन का नाम दिया और इसका कड़ा विरोध भी किया गया, पर दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि चुनावी रैली में भीड़ नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री वापस लौट आए। पंजाब भर में किसान संघों के कार्यकर्ता अभी भी भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं और भाजपा को पंजाबियत के खिलाफ एक पार्टी के रूप में पेश कर रहे हैं। किसान आंदोलन का असर पंजाब समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी साफ तौर पर दिखाई दिया। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो यहां से 110 सांसद आते हैं। यहां किसान नेता राकेश टिकैत का दबदबा माना जाता है। हालांकि राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी भी राजनीतिक यात्रा के लिए उनका सूक्ष्म समर्थन कुछ क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा राकेश टिकैत कई जगह कहते देखे कि इस बार चुनाव में भाजपा का वह पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक सीटों पर जीत
हासिल की थी, जो राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। इस बार भी जिस तरह से किसानों को लेकर मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है, वहीं भाजपा ने भी रणनीति तैयार कर किसानों को खुश करने की कोशिश की। किसानों को शांत करने के लिए यूपी सरकार ने कृषि के लिए बिजली दरों में कमी की घोषणा की और गन्ने का बकाया 12,000 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला किया था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर जिलों के तराई क्षेत्रों में एक बड़ी सिख आबादी है। पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में लखीमपुर खीरी में केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 4 किसानों को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के वाहन के नीचे कुचल दिया गया था। उसके बाद से भाजपा को इन क्षेत्रों में भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं तीसरे चुनावी राज्य उत्तराखंड में भी किसानों का विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में ये बात मानी जाती है, हर 5 साल बाद सत्ता बदलती ही है। ऐसे में भाजपा के लिए उत्तराखंड में भाजपा की लहर को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 15 में भी किसान आंदोलन का शोर गूंजा, खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में, जहां मुस्लिम और सिख की आबादी ज्यादा है। भाजपा पहले से ही राज्यों में भारी सत्ता विरोधी लहर से लड़ रही है, जहां उसने 2021 में 3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया। किसानों के अलावा धर्म को लेकर भी भाजपा उत्तराखंड में घिरती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी ने चुनावी राज्यों समेत पूरे भारत में जमकर कहर मचाया। बीते 2 सालों में तमाम लोग हमारे बीच से चले गए। ऐसे में कोरोना महामारी में अव्यवस्था का असर भी इस बार चुनावों में देखने को मिल सकता है। बात करें बीते साल की, तो अप्रैल मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कम से कम 3 मतदान वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गंगा नदी और राज्य में विभिन्न नदियों के घाटों पर दफन शवों की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2021 में हरिद्वार महाकुंभ के लिए न्यूनतम प्रतिबंध लगाए थे, जिसका भी कड़ा विरोध किया गया था। ऐसे में इस आयोजन का असर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के रूप में भी देखने को मिला। हालांकि हजारों लोगों की मौत और कोविड के कुप्रबंधन के आरोप केवल इन राज्यों तक सीमित नहीं थे, क्योंकि कोरोना से वास्तविक मौत के आंकड़ों को दबाने और ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत की खबरें कई अन्य राज्यों से भी सामने आई थी। जहां एक ओर जनता के बीच कोरोना और उससे लगने वाले लॉकडाउन का साया था, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़े बाजार और बेकाबू महंगाई ने जनता को त्रस्त किया। भाजपा सरकार जानती है कि जनता महंगाई को लेकर उनके खिलाफ हो सकती है, इसीलिए पिछले दिनों आम बजट पेश करते हुए सरकार ने आंकड़ों को दिखाकर जनता को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन जमीन पर जनता अभी भी महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल 100 रुपए से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। LPG सिलेंडर की कीमत कई राज्यों में 1,000 से ऊपर है। ऐसे में इन चुनौतियों के बीच इस साल ये पहला मौका है कि जब भाजपा के सामने एक नहीं कई कारण हैं, जो चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा एक बार फिर चुनावी नैया पार लगाती है या जनता विपक्ष को मौका देकर भाजपा को बैकफुट में ढकेलती है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे